नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एक ऐसे अधिनियम की जिसने हमारा संविधान बनाया, या अगर हमारे संविधान का जो सबसे प्रमुख स्रोत है यानी 2/3 पार्ट जो है वो संविधान का, वो इसी अधिनियम से लिया गया है। और इस अधिनियम ने किस तरीके से भारत की राजनीति को परिवर्तन किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे एक ऐसे चुनाव जो इस अधिनियम के अंतर्गत होते हैं और उसमें जो मुस्लिम लीग का गुरूर था वो पूरी तरीके से टूट जाता है और उसी की झुंझलाहट हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान रिजोल्यूशन के तौर पर, कि किस तरीके से कांग्रेस जो है अब एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर बन चुकी थी और जितने भी प्रांत थे उनमें मैक्सिमम तौर पर कांग्रेस की जो है वो पूरी तरीके से सत्ता आ चुकी थी। तो आज की इस कड़ी के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935, साथ साथ में हम चर्चा करेंगे 1937 के चुनाव और एंड में बात करेंगे साहब हम पाकिस्तान रिजोल्यूशन के बारे में। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं साहब 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि 1935 का अधिनियम है, इसमें हमारा आज का जो संविधान है वो 2/3 जो संविधान है वो इसी भारत सरकार के इस 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही लिया गया है। दूसरी बात, अगर मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करूं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट्स बनाए होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा लंबा एक्ट, जब हम बात करें उनके सबसे लंबे एक्ट में से एक अगर एक्ट कहा जाए तो वो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। इतना इलेबोरेटिव था कि हमारे संविधान ने भी इसमें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से इसने 2/3 चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सबसे पहले बढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यार ये जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये क्यों आए, उनके बारे में चर्चा करो। देखो, जब हम बात करते हैं साहब 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे अपन मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म देखते हैं, ये अपन ने चर्चा करी थी, अपन ने देखा था इसके जो मुख्य स्रोत था ये प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की बात इसने करी थी। तो सोचो, सरकार जो है, भारत सरकार जो उस समय की अंग्रेजी सरकार थी, वो समय समय पर ऐसे अधिनियम लेकर आती रहती थी। जैसे 1919 से पहले के भी किसी अधिनियम की अपन बात करते हैं तो अपने को याद रखना साहब 1909 का जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म था, वो आया, उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया और इस तरीके से अलग अलग समय पर हमें कई सारे संवैधानिक सुधार देखने को मिल रहे थे, जिसे भारतीयों का जो असंतोष है वो किसी ना किसी तरीके से अंग्रेजी सरकार कम कर सके। हालांकि असंतोष तो हुआ नहीं, लेकिन इन सारे के सारे अधिनियमों ने कई सारे आंदोलन को जन्म दिया। जैसे 1919 का जो ये मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसके बाद हम देखते हैं कि साहब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है साहब 1920 से 22 तक का जो आंदोलन, जिसे अपन असहयोग आंदोलन के तौर पे कहते हैं। अब भाई असहयोग आंदोलन आ चुका था तो अंग्रेजी सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर हो गया। फिर हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार एक ज्यादा और ज्यादा बड़ी बेवकूफी कर देती है, वो लेकर आती है साहब 1927 की साइमन कमीशन, साइमन आयोग। अब भाई इतना बड़ा आयोग लेकर आए हो जिसका मकसद जो है भारत के अंदर संवैधानिक सुधार के ऊपर सुझाव देना है, उसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं है तो भारतीयों का रोष और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के विरोध के अंदर जो है वो भारतीय चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 की नेहरू रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं, नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं, पर अंग्रेजी सरकार जो है उसको पूरी तरीके से नहीं मानती। बाद में हम एक और आंदोलन देखते हैं साहब, वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी अपन जिसे बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 वाला। अब साहब इतने सारे इंपॉर्टेंट कारण होंगे तो अंग्रेजी सरकार जो को है कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना पड़ेगा, संवैधानिक सुधार करना पड़ेगा जिसकी उस समय पर सख्त जरूरत थी। और अंग्रेजी सरकार जिस अधिनियम को लेकर आती है वो लेकर आती है साहब 1935 के अंदर, जिसे अपन सामान्य शब्दों के अंदर भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। ये सिंपल सी बात है साहब, ये पूरी कहानी थी किस तरीके से अंग्रेजों के ऊपर दबाव आता है या क्या इंपॉर्टेंट कारण रहते हैं जिससे भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। समझ गए, बिल्कुल क्लियर है डाउट? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि साथ इस भारत सरकार अधिनियम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। तो ये सबकी विशेषताएं तो अपने को याद रखनी है, देखते हैं भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं यहाँ पर याद रखनी। पहली बात तो ये है कि जो साइमन कमीशन ने अखिल भारतीय संघ यानी एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी, उसी साइमन कमीशन की उस बात को रखते हुए अखिल भारतीय संघ की जो है वो संरचना करी जाएगी। इस अखिल भारतीय संघ के 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा ब्रिटिश प्रांत जिसे अपन ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते हैं और दूसरा होगा देसी रियासतें जिसके अंदर जो राजा हैं उनका अभी तक शासन चलता था।
अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे, जो ब्रिटिश प्रांत होंगे, उसको इसका पार्ट बनना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। और देसी रियासतें हैं यानी जो प्रिंसली स्टेट हैं, उनके लिए वैकल्पिक है। अगर वो इस भारतीय संघ के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ें, और अगर अपना जो पूरा का पूरा प्रभाव अलग से स्थापित करना चाहते हैं तो वो रखें। तो ये पहला इंपॉर्टेंट विशेषता है सब, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि साहब अखिल भारतीय संघ की स्थापना पहले कौन से ऐसे संवैधानिक सुधार के तौर पर देखी गई, कौन से एक्ट के अंतर्गत जो है वो हमें आधिकारिक तौर पर भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो कहां पर साहब, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तौर पर। चलो अब ध्यान से सुनो, जब मैं आप लोगों को बात बता रहा था 1919 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म की, तो मैंने बताया था कि अब केंद्र के अंदर जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था यानी बायकैमरलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। यानी बायकैमरलिज्म बोले तो अब जो है वो दो सदन होंगे जिसे अपन अपर हाउस या लोअर हाउस के तौर पर देखते हैं, और मैंने उनको आपको बताया भी था, जिसे अपन केंद्रीय विधानसभा और साथ साथ में राज्य विधानसभा के तौर पर, राज्यसभा के तौर पर देखेंगे। अब यहां पर भी हमें दो सदन देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इनके जो सदस्यों का विस्तार है वो ज्यादा हो जाता है। एक हमें देखने को मिलती है साहब राज्य परिषद, जो कि आपके राज्यसभा जैसी है, और एक आपको देखने को मिलती है साहब केंद्रीय परिषद, जो आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर देखने को मिलती है। केंद्रीय परिषद की बात करें तो इसमें 375 मेंबर्स थे, और राज्य परिषद की बात करें तो ये 260 मेंबर्स थे। और आगे जाके राज्य परिषद और जो केंद्रीय परिषद थी, ये आगे जाके हमें लोकसभा और राज्यसभा के तौर पर देखने को मिलती है। तो समझ गए साहब, केंद्रीय और साथ साथ में राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिला था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तौर पर। ठीक है, चलो अब गवर्नर जनरल होते हैं और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उनकी जो इंपॉर्टेंट तौर पे कार्यकारी परिषद होती है। अब उस कार्यकारी परिषदों में पहले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की ही ताकत थी, पर अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीके से दबाव थे, और उनको ये बात समझ में आ गई थी कि यार ज़्यादा दिन जो है वो हमारी दाल यहाँ पर गलने नहीं वाली, पर जितना समय हम बिता सकें, जितना जो है वो और ज़्यादा लूट सके उतना लूट लेते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद, किसकी कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करते हैं। इसके अंदर 3 सदस्य जो थे वो पद उनका मनोनीत होगा, और जो 10 सदस्य होंगे वो अनिवार्य तौर पर भारतीय होंगे। तो आप सोचो साहब 1909 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म के अंदर 1 सदस्य थे, धीरे धीरे और एक्सटेंशन होता है, और अब 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आता है उसके अंदर भारतीयों की संख्या बढ़ती है, और कितनी हो जाती है भैया, 10 जो है वो टोटल मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं, और कौन कौन सी विशेषताएं। एक शब्द लिखा हुआ है यहां पर, द्वैध शासन। अब इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन को लेकर दो चीजें हुई। पहली चीज, जो प्रांत थे उनके अंदर द्वैध शासन जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और अगर हम इंपॉर्टेंट तौर पर केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र के अंदर जो है वो द्वैध शासन शुरू हो चुका था। तो पहला क्वेश्चन तो भैया यही बन जाएगा, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन शुरुआत कब हुई, तो 1919 के मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म में हुई। और प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कब हुआ, तो भैया ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में हुआ। क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि भाई केंद्र के अंदर द्वैध शासन शुरू कब हुआ, तो अपन याद रखेंगे साहब 1935 के भारत सरकार अधिनियम। कंफ्यूज मत हो जाना, 1919 में साहब प्रांतों में द्वैध शासन आया, और 1935 के अंदर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पर एक और बात समझनी है साहब, द्वैध शासन तो हमने उधर समझा था, लेकिन थोड़ा सा यहां पे पॉइंट बिल्कुल याद रखने वाला है, रिविजन भी हो जाएगा और चीजें भी याद रह जाएंगी। द्वैध शासन के अंदर अपन देखते हैं साहब रूल ऑफ टू, इसको बड़ी सामान्य सी भाषा में अपन समझने की कोशिश करते हैं। द्वैध शासन का मतलब होता है दो लिस्ट, एक तो होंगी साहब आपकी हस्तांतरित लिस्ट जिसे अपन ट्रांसफर्ड लिस्ट कहते हैं। इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी ताकत देखने को मिलेगी, गवर्नर जनरल और जो भारतीय मिनिस्टर्स होंगे साहब उनकी ताकत होगी यहां पर। ठीक है भाई। दूसरे होंगे साहब रिजर्व लिस्ट जिसे अपन आरक्षित लिस्ट कहते हैं, इसमें गवर्नर जनरल और उसके द्वारा मनोनीत, यानी आप ये मान लो कि ये जो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी इसमें तो भारतीय जो है वो कानून बना सकेंगे, उनकी ताकत होगी, और जो ये आरक्षित लिस्ट थी इसमें गवर्नर जनरल और उसके द्वारा मनोनीत जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होंगे वो यहां पर इंपॉर्टेंट तौर पर कानून बना सकेंगे। तो ये अपने को द्वैध शासन की जो प्रणाली जो प्रांतों के अंदर देखने को मिल रही थी, अब वो कहां पर देखने को मिलेगी साहब, केंद्र के अंदर देखने को मिलेगी, सेंटर के अंदर देखने को मिलेगी, संघीय तौर पर देखने को मिलेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा साहब कि केंद्र के अंदर हमें किस तरीके से द्वैध शासन प्रणाली स्थापित होती हुई देखी इनको मिली, कौन से वर्ष में या फिर कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट के अंतर्गत, तो ये बात ध्यान रखें। अब सुनो भाई और कंपेयर करते चलो, जब पहले वाले अधिनियम की बात कर रहे थे तो हमने देखा था साहब कि इसके अंदर विधानसभा, अपन इंपॉर्टेंट शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं, डिविजन ऑफ पावर की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे दो डिविजन्स देखे थे पिछले वाले एक्ट्स के अंदर, एक था साहब केंद्र और एक था साहब प्रांतीय।
लेकिन अब तीसरी इंपॉर्टेंट एक लिस्ट भी जुड़ जाती है, सूची भी जुड़ जाती है भाई, जिसके ऊपर केंद्र कानून बना सकता है वो कौन सी सूची होगी भैया? तो याद रख लो साहब, केंद्रीय सूची। जिसके ऊपर प्रांत कानून बना सकते हैं वो कौन सी सूची होगी साहब? वो होगी प्रांतीय सूची। और जिसके ऊपर केंद्र और साथ साथ में प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं पर अंत में केंद्र की ही चलेगी, मतलब अगर दोनों के कानून जो है वो आपस में टकराते हैं तो केंद्र की चलेगी, ये कौन सी सूची कहलाती है साहब? समवर्ती सूची कहलाती है, जिसे अपन अंग्रेजी के अंदर कॉनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। दोनों केंद्र और प्रांत दोनों की कॉमन सूची, समवर्ती सूची। तो अब शक्तियों का विभाजन जो है वो तीन पार्ट्स में हो जाता है, केंद्र जिसके ऊपर कानून बना सकते हैं, प्रांत जिसके ऊपर कानून बना सकते हैं, और साथ साथ में केंद्र और प्रांत दोनों जिस पर कानून बना सकते हैं वो कहलाएगी आपकी समवर्ती सूची, बोले तो कॉनकरेंट लिस्ट। समझ गए? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब आ जाओ साहब गवर्नर जनरल के ऊपर। गवर्नर जनरल साहब के पास भी ये जो है अब नई कुछ ताकत आ जाती है, एक तो साहब वीटो ताकत आ जाती है, किसी भी बिल को रोकने के लिए वीटो जो है वो पूरी तरीके से गवर्नर जनरल साहब जो है वो लगा सकते हैं, साहब अड़ंगा लगा सकते हैं। दूसरी बात अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कि अगर जो इंपॉर्टेंट सदन जो है वो सत्र में नहीं है तो एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है, टेम्प्ररी लॉ के तौर पर एक अध्यादेश जो है वो जारी किया जा सकता है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और इसका आर्टिकल कौन सा है भाई? याद कर लो 123। कौन सा है भैया? आर्टिकल नंबर 123। इसके अलावा एक और ताकत जो है वो हमें देखने को मिलती है साहब, वो अवशिष्ट सूची की। देखो कुछ इंपॉर्टेंट सूची केंद्र के अंदर भी नहीं हो, प्रांत के अंदर भी नहीं हो, समवर्ती के अंदर भी नहीं हो, तो जो बची हुई ताकत है, जो अवशिष्ट ताकत है, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल साहब को होगा। किसको होगा भैया? गवर्नर जनरल को होगा। अवशिष्ट ताकत जो है यानी अवशिष्ट सूची के ऊपर, अवशिष्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर, बचे हुए जो सब्जेक्ट्स है, रेजिडोरी पावर इसको कहेंगे, उसके ऊपर कानून बनाने की ताकत किसके पास होगी? तो भैया गवर्नर जनरल के पास होगी। तो सोचो भाई संवैधानिक सुधार जो है वो कैसे देखने को मिलता है। अब जब अपन इंपॉर्टेंट तौर पे आज का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके पास वीटो पावर भी है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है ना। लिस्ट जो है वो भी आज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज भी इंपॉर्टेंट द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो हाँ भाई, दो तिहाई से भी ज़्यादा जो अपना पार्ट है संविधान का वो इसी एक्ट के अंतर्गत रहा गया है, इसी एक्ट के अंतर्गत से जो है वो लिया गया है। चलो और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस एक्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। एक तो साहब बर्मा को जो है वो भारत से अलग कर दिया जाए। तो देखो भाई याद करो 1927 की जो साइमन कमीशन थी उसके अंदर ये बात रखी गई थी साहब बर्मा को जो है वो भारत से अलग कर दिया जाए और साथ साथ में एक नया प्रोविंस बनाया जाए, कौन सा? सिंध। ठीक है, तो दोनों बातों को यहाँ पर मान लिया जाता है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। और बर्मा भारत से कब अलग होता है साहब? 1937 के अंदर। 1937 एक्ट था 1935, 1937 के अंदर आधिकारिक तौर पर जो है वो बर्मा भारत से अलग हो जाता है। दूसरा नए राज्य हमें देखने को मिलते हैं साहब, सिंध बंबई से अलग हो चुका था, उड़ीसा पश्चिम बंगाल से अलग हो चुका था, और ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिमी सीमा का जो प्रांत है वो भी एक नए राज्य के तौर पर उभर रहा था। अब याद करो साहब, मैंने आप लोगों को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के बारे में बताया था, एक फैक्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सा? यार यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लीडर थे उनका क्या नाम था साहब? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें अपन क्या कहते हैं साहब? सीमांत गांधी। अच्छा, इनका संगठन कौन सा था याद करो? खुदाई खिदमतगार, जिसे अपन क्या कहते थे साहब? रेड शर्ट्स या फिर लाल कुर्ती संगठन भी इनको कहते थे। अब और इनके अलावा क्या चीज़ें हुई? नए राज्य बन गए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया। अब जो पृथक निर्वाचन की प्रणाली थी ना वो भी हमें और ज़्यादा आगे देखने को मिली। अब भैया इसके अंदर महिलाओं को भी इंक्लूड कर लिया भाई, आप याद रखो यूरोपियंस को भी इंक्लूड कर लिया भाई। एंग्लो इंडियन, सिख, मुसलमान ये तो पहले एक्ट के जो अंतर्गत थे उन्हीं के अंदर इंक्लूड हो गए थे, पर अब पृथक निर्वाचन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा जो समुदाय थे वो इसके साथ जुड़ते गए। इसके अलावा RBI जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और संघीय न्यायालय की भी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से स्थापना की गई। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि साहब जो संघीय न्यायालय है, जो फेडरल कोर्ट है जिसे अपन सुप्रीम कोर्ट के तौर पर आज देखते हैं, उसकी स्थापना कौन से एक्ट के अंतर्गत हुई? तो 1935 के एक्ट के अंतर्गत। दूसरी FPSC, बोले तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत के अंदर जो सबसे बड़ी पब्लिक सर्विस कमीशन है कौन सी? UPSC। ये UPSC का ही पुराना रूप है साहब, जिसे अपन कहेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और RBI जो अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी इसके अंतर्गत हुई। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी कि जो प्रांत थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनके अंदर द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो ये याद रखने वाली। और द्वैध शासन आया कब था साहब? तो 1919 के एक्ट से आया था। कहां पर आया था? प्रांत में आया था। समाप्त कहां पर हुआ? 1935 में। और भाई याद रखो,
केंद्र पे, यानी अगर हम बात करें संघ में द्वैत शासन किस एक्ट के अंतर्गत आया, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है भाई, चलो अब देखो 1935 का अधिनियम आ गया। अब अधिनियम आया तो साहब इसके अंतर्गत चुनाव भी होंगे, इलेक्शंस भी होंगे। तो 1937 के अंदर जो है साहब इलेक्शन होते हैं, और भारत में उस समय पे 11 प्रांत थे, और 11 प्रांतों में जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो सबको चौंकाने वाले थे। कांग्रेस जीती ये तो चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो उन प्रांतों में भी हार गई जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जिसमें मुस्लिम डोमिनेशन था, मुस्लिम मेजॉरिटी। तो आप सोचो 1937 के जो चुनाव थे उन्होंने भारत की राजनीति के अंदर, भारत के उस समय के इतिहास के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन किया होगा। तो अपन देखते हैं साहब 1937 के चुनाव किस तरीके से कांग्रेस उभरी और मुस्लिम लीग जो है वो धीरे धीरे पतन की तरफ थी। देखते हैं साहब क्या कारण रहे। 1937 के अंदर चुनाव होते हैं जिसके अंदर भारत के अंदर साहब 11 प्रांत थे, और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों के अंदर हमें कांग्रेस की सरकार देखने को मिलती है। जिन प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी वो कौन कौन से प्रांत थे? एक तो था पंजाब, बंगाल और सिंध। इन तीनों प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, पर फिर भी हमें कांग्रेस की सीटें जो थी वो यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ध्यान रखो जब हम पंजाब की बात करते हैं तो वहां पर सरकार बनाती है साहब यूनियनिस्ट पार्टी, जिसको हेड कर रहे थे सिकंदर हयात खान और खिजर खान हयात। तो पंजाब के अंदर तो साहब इनकी सरकार बन जाती है, ना कांग्रेस ना मुस्लिम लीग। बंगाल के अंदर बंगाल कृषक पार्टी फजल उल हक के नेतृत्व में पूरी तरीके से जीतती है और सरकार बनाती है। और अगर अपन सिंध की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सिंध के अंदर सरकार बनाती है यूनाइटेड सिंध पार्टी। यूनाइटेड सिंध पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मुस्लिम लीग जो है वो एक भी जगह सरकार नहीं बना पाती। याद रखने वाली बात ये थी कि मुस्लिम लीग जो थी वो एक भी जगह सरकार नहीं बना पाती है। 11 प्रोविंस में से 8 में तो कांग्रेस की सरकार जीती है। अप्रोक्सीमेट याद किया जाए तो 702 के आसपास में जो है ना वो सीटें कांग्रेस के पास आती है इन टोटल। और मुस्लिम लीग की बात करें तो 105-110 सीटों पर जो है सिमट के रह जाती। तो सोचो यार 1937 के चुनाव से जो है कांग्रेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और मुस्लिम लीग के अंदर जो है वो एक झुंझलाहट आती है। और उस झुंझलाहट हमें कैसे देखने को मिलती है तो ये देखो भाई, ये आपको झुंझलाहट का नतीजा देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है साहब, एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन, एक इंपॉर्टेंट संकल्पना। समझे इसको क्या है? अब 1937 के जो चुनाव थे वो मुस्लिम लीग पूरी तरीके से हार चुकी थी, और मुस्लिम लीग सारे एरियाज में तो चुनाव हारी हारी, पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्टेट्स थे, जो इंपॉर्टेंट तौर पर मुस्लिम डोमिनेटेड प्रांत थे, उनके अंदर भी मुस्लिम लीग जो है वो सीट नहीं, मतलब एक पूरी तरीके से जो पावर है वो नहीं स्थापित कर पाती। और अब मुस्लिम लीग को लगता है कि साहब हमारी तो हालत ख़राब होने वाली है, इस वजह से वो एक संकल्पना करती है, माहौल बनाने की कोशिश करती है, और उस संकल्पना को हम कहेंगे लाहौर संकल्पना 1940। क्या है ये उसको समझते हैं। मुस्लिम लीग जो है वो लाहौर संकल्पना 1940 करती है। अब जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो सिंपल सी बात कहते हैं कि भैया हमें जो है वो टू नेशन थ्योरी के अंदर विश्वास करते हैं, और अब जो है हम इस पूरे के पूरे भारत को दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट जगह रहेगी साहब क्या, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान कहां कहां पर होगा साहब, ये जो भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट वाला पार्ट है पूरा का पूरा, जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो, और साथ साथ में बंगाल वाला रीजन। यानी वो कहते हैं साहब जो पंजाब है उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दो, सिंध हमें दे दो, और सारा का सारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा एक नया देश बना दो, और ईस्ट की साइड में अगर अपन बात करते हैं तो भैया बंगाल को भी इंक्लूड कर दो। इन दोनों को इंक्लूड करके क्या बना दो भैया, पाकिस्तान। क्या बना दो भाई, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो यानी सिंपल सी डायरेक्टली जो है, अभी तक तो मुस्लिम लीग जो है वो अधिकारों की बात कर रही थी, पर अब मुस्लिम लीग जो है वो डायरेक्टली कहने लग जाती है कि भैया हमें तो एक नया देश चाहिए, हमें तो एक अलग देश चाहिए। इस लाहौर संकल्पना को अपन पाकिस्तान संकल्पना भी कहते हैं, या फिर पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात हुई साहब, पहली बार जो है वो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की बात करती है। कहाँ कहाँ पर होगा साहब, वो नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट पे और बंगाल वाले पार्ट पे, जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स थे। तो ये बात जो है हमें देखने को मिलती है लाहौर संकल्पना के तौर पर। पर अब एक प्रश्न उठता है, आप मुझे एक बात बताओ कि यार ये जो पाकिस्तान शब्द है इसकी बात चौधरी रहमत अली ने पहली बार करी थी, पर ये पहली बार जो ये पूरी की पूरी पाकिस्तान शब्द की बात थी ये कहाँ पर करी और इसके पीछे क्या कारण थे, इस वीडियो के कमेंट में बताना, और आप ये पूरी की पूरी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें, हमें ऐसे ही प्यार दें, हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, उनके साथ ज्वाइन करें, और शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति के अंदर अपनी भी भागीदारी निभाएं।
थैंक यू।